देखिए दोस्त, पाइपलाइन का काम यहाँ पे शुरू है। यहाँ पे मेन बोर्ड रह रहा दोस्त, छज्जा में जो कि छज्जा हम कर चुके हैं। जगह का बोर्ड को उखाड़ना है और बोर्ड कटिंग करके इसमें 16 मॉडलर का डालेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा पॉइंट का मात्रा है, इसलिए हम 16 मॉडलर का डालेंगे, 12 मॉडलर में नहीं छोड़ता है। तो देखिए इस सीलिंग का मिलाए हैं, उसके बाद यहाँ पे भी एक सीलिंग का ऊपर से आया, इसको भी मिला दिए, जैसन दिए। इस जगह पे 4 रूट का हो गया। ये पाइप जो नीचे तरफ आया, यहाँ पे टीवी का बोर्ड रहेगा, वॉल टीवी का बोर्ड रहेगा। उसके बाद यहाँ से देखिए ये रूट से फिर एक इधर चले आया है, यहाँ पे भी सेंटर, यहाँ जो है यहाँ पे एक रहेगा बोर्ड एसी का, उसके बाद यहाँ पे एक रहेगा सोफा वोफा लगेगा, बेड बोर्ड रहेगा यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे 6 मॉडलर के हम डाले हैं। उसके बाद फिर देखिए दूसरे तरफ, एक तरफ का क्लियर हो गया। यहाँ पे देखिए दोस्त, पूरे डाइनिंग हॉल है, सबका बोर्ड एक ही रहेगा, इसलिए 16 मॉडलर बोर्ड डालना पड़ रहा है। देखिए मोटा मोटी ये रूम क्लियर ही हो गया, पाइपलाइन का वर्क। अब दूसरे तरफ देखते हैं दोस्त क्या हो रहा है। देखिए बता लिया मेरा है, यहाँ पे सब सामान भी आ चुका है, कटिंग का काम हो रहा है। इसका देख लो ना, ये गेट का स्पेस देखो कितना है, कितना है, 43 इंची उस दिया, सुधर ना पो दीवार में। ओ जहाँ से तुम लिया है इसका नाप आधा दीवार, हाँ ये लो ना, इसका सेंटर 5 इंची का सेंटर यहाँ पे लो, यहाँ ये हाँ नो उधर 43 इंची। दूसरे तरफ में कटिंग का काम हो रहा है दोस्त। यहाँ देखिए ग्राइंडर यहाँ पे इतना दूर तक चल चुका है और इधर थोड़ा बाकी है। ये तरफ ग्राइंडर चलाएगा, उसके बाद वाइब्रेटर चलाएंगे, हैमर ड्रिल जिसको बोलते हैं दोस्त। उसके बाद फिर इसमें पाइप का काम होगा। यहाँ पे बेड बेड भी है, काम हो गया, कटिंग का काम कर रहा है, धूल कितना हो रहा है। Thank you.